तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है? तो कट गया है या कटवा रहे हो या खुद को अजमा रहे हो? खैर छोड़ो, आज मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में जो लोग बोलते हैं यार प्यार को वश में करना चाहिए। अपने प्यार को अपने तरीके से चलाना चाहिए, आज उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, वो प्यार कैसा जिसको वश में किया जाए, और वो मोहब्बत कैसी जो आपसे आपके दिमाग को कंट्रोल करे, वो प्यार कैसा? यार मैंने अधिकतर ये लोग देखा है कि लोग अगर प्यार में सक्सेसफुल नहीं होते तो कहीं कालू बाबा, कोई पीलू बाबा, मतलब अलग अलग तरीके के ड्रामे हैं यार। मतलब ये बाबा आपको क्या करके देंगे? मतलब अगर आप किसी की फीलिंग को, अपनी फीलिंग मान लो किसी को आप बता रहे हो और वो आपकी फीलिंग को एक्सेप्ट ना करे, तो आप पे एक ऑप्शन बनता है कि मैं तो भैया आप कालू बाबा के पास जाऊंगा, कालू बाबा की शरण में जाके मैं उसके दिल को जीत लूंगा। कहाँ का ड्रामा है, क्या मतलब क्या थिंकिंग है? 21वीं 22वीं सदी क्रॉस होने को आ रही है और आप अभी भी कालू बाबा पे अटके पड़े हो कि कालू बाबा आएंगे मेरा प्यार मुझको देंगे। वाह कालू बाबा, जितना समय आप कालू बाबाओं पे दे रहे हो, जितना समय आप जादू टोने पे दे रहे हो, उतना समय अगर हम खुद को दें, अपने आप को दें, अपने फ्यूचर को दें, तो कालू बाबा की तो मुझको नहीं लगता हमको ज़रूरत पड़ेगी। बट नहीं, प्यार सक्सेसफुल ना हो तो कालू बाबा की सख्त सख्त ज़रूरत है। मैं कभी ट्रेन से जाता हूँ या फिर बसों में जाता हूँ, कुछ मिले या ना मिले, ऊपर आप बैठ के देखोगे तो जरूर लिखा मिलेगा कालू बाबा से संपर्क करें। धोखा खाया हुआ बंदा कालू बाबा के पास जा रहा है। यूट्यूब पे लोग अच्छी वीडियो देखने के बजाय ये ड्रामा देखते हैं कि कालू बाबा के पास आएं और 5 मिनट में सॉल्यूशन पाएं। सौतन से अगर लड़ाई हो रखी है तो सौतन का छुटकारा, प्यार मोहब्बत में मार खाए लोगों का छुटकारा। भाई वो भगवान है क्या कालू बाबा तुम्हारा? इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो वहाँ पे? इतना पैसा जो तुमने अपने लिए रखा है वो तुम कालू बाबा पे दे रहे हो एक ऐसे बंदे के लिए जो तुम्हारी लाइफ में आना ही नहीं चाहता है। यार जो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहता है उसको तुम क्यों ज़बरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हो? वो रिश्ता कभी चल ही नहीं सकता जो एक झूठे तरीके से बनाया जाए या जादू टोने से बनाया जाए। तो कोशिश ये करो, अपनी फीलिंग जाके बताओ। अगर सामने से आपको लगता है कि वो बंदा यार इंटरेस्टेड है, अगर वो आपको हाँ बोलता है तो उसके आंसर को एक कदर करो और बोलो कि चलो भाई ठीक है, हम रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। बट ये नहीं कि सामने वाले ने आपको मना कर दिया, आप कालू बाबा के दरवाजे पे चले गए कि कालू बाबा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, कालू बाबा मेरी गर्लफ्रेंड घूमने नहीं जा रही है। क्या कालू बाबा तुम्हारा बाप है क्या? कालू बाबा पे जाके अपनी ज़िंदगी ख़राब करने वाले काम कर रहे हो, फिर जाके बोलते हो हमारा कट गया है। कटेगा तो भाई कटवाने लायक हो तुम। इन कालू बाबा की जब तक शरण लोगे, जब तक कालू बाबा के धंधों में लगे रहोगे ना भाई, कटवाते रहोगे। बुरा मत मानना, आज मैं खुली बात बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका कटता है और जो है जादू टोना का सहायता ले रहे हैं कि जादू टोना करके मैं लड़की पटा लूंगा या जादू टोना करके मैं गोरी गोरी लड़कियाँ पटा लूंगा। तो भाई कभी कुछ नहीं कर सकते, कभी कुछ नहीं फाड़ सकते तुम। अभी मौका है मूव ऑन करके। अगर लड़की से ब्रेकअप हो गया है और पैचअप करना चाहते हो तो उसके मुँह पर जाके बोल दो कि मुझे पैचअप करना है। करती है तो ठीक, नहीं करती है तो ठीक, राधे राधे मत करो। बट ये कालू बाबा का सहायता मत लो, अभी फिर से बोल रहा हूँ। अपनी लाइफ में बढ़ो, बहुत बड़ी लाइफ है, हसीन दुनिया है। सिर और आँख खोल के देखोगे ना प्यारी प्यारी हसीनाएं मिलेंगी। और लड़कियों को बोलता हूँ सिर और आँख खोल के देखोगे तो प्यारे प्यारे लड़के भी मिलेंगे। एक लड़की और एक लड़के के चक्कर में कालू बाबाओं के धंधे मत लगो, अपना प्यार बर्बाद मत करो और अपना दिमाग मत खराब करो। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो भाई की वीडियो को छोटा सा लाइक करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए मुझको जरूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।